हेलो गाइस, आपका स्वागत है इस चैनल में। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में एक नोटिफिकेशन बेल आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त वीके भाई और आप देख रहे हैं वीके भाई गेमिंग स्टार जी। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में WCB यानी वर्ल्ड क्रिकेट बैटल के पूरे गेम को रिव्यू करने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना अगर आप लोग जानना चाहते हो इसके अंदर कौन कौन से फीचर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। तो गाइस, ये डेट को इतने पोस्टपोन करने के बाद फाइनली रात को 3:30 बजे इन लोगों ने गेम को रिलीज़ कर दिया, बेटा वर्जन को। ये बेटा जो वर्जन है प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। बस 202 MB का है गाइज। मैंने जैसे ही बोला था आप लोगों को 200 का जाएगा और उतना ही है गाइज। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग ओपन करते तो इंटरफेस बहुत अच्छा मिल जाता है। इंटरफेस के अंदर आप लोग गेम जैसे ओपन करोगे तो गाइज यहाँ पे कैरियर, माई कैरियर है, टूर्नामेंट्स है, मोड्स है, लाइव इवेंट है, क्विक मैच है, स्टोर है, ड्रेसिंग है, लीडर बोर्ड, अचीवमेंट है और वर्ल्ड क्रिकेट बैटल। तो गाइस, इतना आपको यहाँ पे मिल जाता है। माय करियर और लाइव इवेंट जो है गाइस वो कमिंग सून है, यानी कि आप लोग इसको नहीं खेल पाओगे। माय करियर, मैंने जैसे आपको बोला था कि माय करियर जो गेम है, जो माय करियर ऑप्शन रहेगा गाइस, वो आपको नहीं मिलेगा बेटा वर्जन के लिए। मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को बता चुका था और यहाँ पे भी उन लोगों ने बोल दिया है कि माय करियर और लाइव इवेंट जो है अभी कमिंग सून है। तो गाइस, यहाँ पे टूर्नामेंट्स का अगर हम लोग अंदर जाते हैं तो टूर्नामेंट्स के अंदर क्लैश ऑफ फैंस, PLG, पाकिस्तान लीग, बांग्लादेश लीग, एशियन लीग, चैम्पियनशिप लीग, एशियन कप, एक्नॉलेजमेंट कप, T20 वर्ल्ड कप। तो गाइस, वर्ल्ड कप, T20, नॉकआउट कप, एशियन कप, चैम्पियनशिप लीग, एशियो लीग, बांग्लादेश, पाकिस्तान। गाइस, एशियो लीग तक हमें कमिंग सून है। जो अभी हमें मिलता है बस खेलने के लिए वो है क्लैश ऑफ फैंस, PLG प्रीमियर लीग कप, पाकिस्तान लीग कप, बांग्लादेश लीग कप। तो गाइस, ये भी लॉक है, आपको इसको भी अनलॉक करना पड़ेगा। तो और भी हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर मोड्स के अंदर क्या क्या मिलता है हमें। चलिए मोड्स के अंदर जाते हैं और देखते हैं मोड्स के अंदर क्या है। तो गाइस, मोड्स के अंदर आपको चैलेंज मिल जाता है, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो गाइस, चैलेंज ही अभी अवेलेबल है बेटा वर्जन के लिए। जो टेस्ट सीरीज है, ऑक्शन है गाइस, इसमें भी ऑक्शन आपको मिल रहा है PLG, यानी कि देख लीजिए। जैसे सचिन, सॉरी गाइस, रियल क्रिकेट 18 के अंदर ऑप्शन आने वाला IPL का, उसमें भी मिल जाएगा आपको। बाद में गली क्रिकेट मिल जाएगा, नेट प्रैक्टिस मिल जाएगा। तो गाइस, ये तो सारा आपको कमिंग सून है। टेस्ट सीरीज, ऑक्शन, गली क्रिकेट और नेट प्रैक्टिस तो कमिंग सून है, लेकिन चैलेंज आपको अवेलेबल है बेटा वर्जन के खेलने के लिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ड्रेसिंग रूम मिल जाता है गाइस। यहाँ पे ये भी फीचर बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग रूम। पहले ही इन लोगों ने बोला था कि ड्रेसिंग रूम आने वाला है इसके अंदर, और ड्रेसिंग रूम के अंदर भी बहुत अच्छी खासी रहेगी गाइस। इसके ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे खासे, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मुझे तो पसंद आया है गेम यार, लेकिन बग्स भी है इसके अंदर, बहुत छोटे मोटे बग्स है गाइस इसके अंदर। तो देखते हैं, हम लोग अपने इंडिया टीम को सिलेक्ट कर लेते हैं और ड्रेसिंग रूम के अंदर जाते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है, कैसे ऑप्शन है, कैसे प्लेयर को हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे गाइस, अगर हम लोग चाहें तो रोहित शर्मा को देखते हैं हम लोग कैसे जीत कर पाते हैं। तो गाइस, इसके अंदर उतना ज़्यादा कुछ एडिक्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। बस आप लोग प्लेयर का नाम चेंज कर सकते हो, जर्सी चेंज कर सकते हो और कुछ नहीं, जर्सी का नंबर चेंज कर सकते हो गाइस, और कुछ नहीं है उसके अंदर ज़्यादा कुछ। जैसे हमें इसमें मिल जाता है कि WCC2 में फेस कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आता, अभी इसमें तो उसमें नहीं है, लेकिन शायद आ जाएगा धीरे धीरे। तो गाइस, चलिए हम लोग एक क्विक मैच प्ले खेल करके देख लेते हैं। तो क्विक मैच प्ले के लिए चलिए हम लोग क्विक मैच प्ले को सिलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर है और कैसे इसके ग्राफिक्स से कैसा कंट्रोल है। तो गाइस, मैं अपनी टीम इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूं, वेट कर लीजिए। तो गाइस, बहुत सारे आपको इन टीम भी मिल जाता है, जो आपको लेके पसंद है आप लोग खेल सकते हो। याद रखना, क्लैश ऑफ फैंस को भी अनलॉक है, आपको अनलॉक लॉक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इजी, मीडियम और हार्ड मिल जाता है, हम लोग तो कुछ भी ले सकते हैं गाइस। तो बाद में यहाँ पे ओवर देख लेते हैं, 10 मिल जाता है, 20 मिल जाता है, 10 गाइस, 5 लॉक ओवर लॉक है, लेकिन 10 और 20, 50 आपको मिल जाता है खेलने के लिए, जो फ्री ऑफ रहेगा। और बहुत सारे टूर्नामेंट आपको स्टेडियम्स मिल जाएगा, लेकिन
स्टेडियम्स लॉक रहेंगे गाइस, सारे अनलॉक नहीं रहेंगे। जैसे हम लोगों को दूसरे गेम में लॉक मिलते हैं वैसे इसमें भी लॉक रहेंगे गाइस, तो आप लोगों को थोड़ा तो फेस करना पड़ सकता है। ये हर जगह लॉक है लेकिन कुछ बात नहीं है, आप लोगों को बाद में पता चलेगा इसे कैसे लॉक करना है। आप लोग समझ गए होंगे, मैं बता दूंगा आप लोगों को कैसे अनलॉक करना है या कैसे करना है, कुछ मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आपको वेट तो करना पड़ेगा जब तक मेरी वीडियो ना आ जाए। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो गाइस देखते रहो इसको, देखते हैं अभी आगे क्या फीचर है इसके अंदर। ये लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन याद रखिएगा इसमें भी एड्स आते हैं। मैंने अभी तो अपना नेट को बंद करके रखा हूँ, डेटा को बंद करके रखा हूँ, इसलिए मेरा नहीं आ रहा है। तो गाइज आप लोग देख लीजिए ये कितना अच्छा ग्राफिक्स है यार, कंट्रोल्स भी अच्छा खासा दिखा रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए पिच की कंडीशन को दिखा रहे हैं ये लोग, यानी कि सब कुछ मिला जुला कर सब अच्छा है। ये देख लीजिए कमेंट्री का सेक्शन हमें मिल जाता है। अरे यार बहुत अच्छा है यार गाइज, आप लोगों को गेम जरूर पसंद आएगा, डाउनलोड करके जरूर खेलना, अच्छा खासा गेम है। आप लोगों को देख लीजिए यहाँ पे बहुत अच्छा गेम है यार। तो चलिए यार मैं तो पहला मैच खेल रहा हूँ इसके अंदर और वही पहला ही मैच हार चुका हूँ, टॉस हार चुका हूँ, देखते हैं अब क्या होता है गाइज। तो गाइज देख लीजिए स्मूथ बहुत अच्छा ग्राफिक्स है, डॉन ब्रेडमैन के जैसे तो मान नहीं सकते लेकिन अच्छी खासी ग्राफिक्स है, जैसे आप लोग खेल सकते हो अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर। स्मूथ कंट्रोल भी दिख रहे हैं, यानी कि सब कुछ मिला के गाइज आप लोगों को बहुत अच्छा मिल जाता है। ये देखिए, देखते हैं हम लोग कैसा है ये गेम है यार। तो गाइज इधर भी देख लीजिए आप लोग, एनर्जी ड्रिंक मिल जाता है, वेयर कैप मिल जाता है, वाटर हेड मिल जाता है, वेयर हेलमेट मिल जाता है, बैट चेंज करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। गाइज अच्छा खासा गेम है सब कुछ मिला के, देख लीजिए गाइज बहुत बहुत स्मूथ कंट्रोल है इसके, डिफ़िकल्ट नहीं होगा आप लोगों को शॉर्ट्स खेलना भी, आप लोग इजीली मार पाओगे। लेकिन इसके जो ग्राफिक्स मुझे बहुत पसंद आई है गाइज, और एनिमेशन भी बहुत अच्छे खासे हैं। इन लोगों ने वेट करवाया था तो हमें अच्छा खासा गेम दे दिया लगभग, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो गाइज ये गेम की रिव्यू इतनी, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के ऊपर कमेंट कर देना। मैं तो इसको रेटिंग दे दूंगा गाइज 4/5 में से। आप लोग कितना रेटिंग दोगे ये जरूर मुझे बताना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।